मारने के लिए मगर मीटर नहीं लगाने देंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। मे ना जान कहें बहस वारि पे हा कना रोपन पांचन रोपये हतस बहस ओजकर कर शुर् पारान दिन पर्न सौ पोस कहें बह अन तो बह कन ओन मे लगन मीटर मे कौन नमन माजन बनन आलव दोपक नेरव तो मग पुन पावर अशिंद पावर यह हिंदुस्तान पावर क्या आब तक पावर तक मगर अस क्या जुलम कर फीस भरवा आब फीस बिजली फीस भरवा आब फीस भरवा सकूल फीस भरवा क्या फीस भरव करो ज्यादा क्या बर्दाश्त मगर यह हे इंसान कर बर्दाश्त कहें क्या यूतः मा इनकम चलो अगर ये फीस बढ़ा हथ जह तो ठीक उस मगर असा हेको नूत कर कहें क्या येसान ये गर्मी बाकी सारी बाकी बह रान ज्यादा सर्दी क्या कर इंसान यपर ज्यादा यप बुजर्ग तमन ऑक्सीजन लगत अस क्या करो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर स्मार्ट मीटर नहीं लगाने देते बोलते हैं इसमें बिल ज्यादा आता है ये हो रहा है वो हो रहा है बस अब हम आप ही बताओ सर हम क्या करें हम मीटर स्मार्ट मीटर लगाते हैं हमें लगाने नहीं देते सर हमारा खर्चा भी है सर रूम रेंट गाड़ी का किराया बर्फ खाने पीने का ये हमारे पास अवेलेबल नहीं जब होता है सर दाढ़ी नहीं लगती हमारी सर हम क्या करें सर देखिए स्मार्ट मीटर का वेलकम हो गया पूरी कंट्री में जहाँ पे भी ये स्मार्ट मीटर नस्ब किया गया तो उसकी वजूहत यही है कि बिलिंग में जो इश्यूज होते थे वो कम हो गए लोगों के वो उनकी सेटिस्फेक्शन आ गई। एक और चीज़ है कि उनकी सर्विसेज में वैल्यू एडिशन हुआ अब वो देख सकते हैं मोबाइल पे हमारा डेली कंजप्शन क्या है उससे काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आ गई कंज्यूमर एम्पावर हो गया। बहुत सारी जगहों पे हमारे कंज्यूमर्स ये फीडबैक हमें मिल रहा है कि आप कब यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगा रहे हो क्योंकि इससे मैनुअल जो कंट्रोल था या जो एलिगेशंस हमारे स्टाफ के ऊपर लगती थी वो ख़त्म हो गई उस हिसाब से तो मे बी ये अवेयरनेस का कुछ प्रॉब्लम है या हमारे जो फ्लैट रेट कंज्यूमर्स है वो मतलब अब कंजम्पशन पे उनको पे करनी है बिल उस वजह से थोड़ी सी अवेयरनेस की उसमें कमी है तो दैट इज व्हाई देयर इज दिस मीटर दिमाग काला कुल हाल लागनी के क्या जे आज गरीब गुरबत दुआ जेना शाम छ खर्चावा आज बारमो में बिजली फीस किन आज खाना वन आया। जहां तक प्रीपेड का ये है मुझे लगता है कि ये उस जो कांसेप्ट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कांसेप्ट है वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट ये उसके बिल्कुल अगेंस्ट जाता है कि आप प्रीपेड आप बोलेंगे इनको कि आपकी एनर्जी आप इसको बिल्कुल रिचार्ज करेंगे आपने 100 रुपए का रिचार्ज डाल दिया आपने 1000 का रिचार्ज डाल दिया तो रिचार्ज ख़त्म हो जाए बिजली बंद हो जाएगी आपको जैसे फ़ोन में फ़ोन का ये हो जाता है फ़ोन लग्जरी है बट बिजली लग्जरी नहीं है बिजली मजबूरी है ये गरीब को भी चाहिए अमीर को भी हर किसी को चाहिए। तो मुझे लगता है कि सरकार को जो है ये प्रीपेड जो सिस्टम है मुझे लगता है कि ये नहीं लाना था पूरे देश के अंदर क्योंकि हमारे देश के अंदर
या जम्मू कश्मीर को भी इसमें लेंगे या बाकी जगहों को भी लेंगे, गरीब लोग रहते हैं। इसका मतलब है कि जिस गरीब के पास पैसे नहीं होंगे, जिस गरीब के पास रिचार्ज का पैसा नहीं होगा, वो फिर बिजली नहीं लेगा। तो ये तो फिर उसके अगेंस्ट हो गया जो हमारे वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है।